यदि आप उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका कोशिकाओं और आपका आत्मनियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। यदि आपको लगता है कि आंसू आ रहे हैं और उन्हें रोकना चाहते हैं तो अपने जबड़े को आराम दें और पलकें झपकाने से रोकें। सिर्फ इसलिए शादी ना करें या रिलेशनशिप में ना आए क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते। रिक्त स्थान को भरने के कुछ समय बाद आप पहले से ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। आपने जो कुछ भी नहीं किया उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन आपके द्वारा किए गए सभी कामों को याद रख पाना बेहद मुश्किल होता है। जब आप दुखी होते हैं या रोते हैं तो उस समय उसी आदमी का चेहरा सामने आता है जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ा होगा, इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखें। लड़कियां उन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है जो उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लोग बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 9 साल अधिक जीवित रहते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसतन दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। हमारा मन एक आकर्षक यंत्र है जो आपको बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। यह आपके रोज के दिए गए आदेशों के ऊपर निर्भर करता है। डिप्रेशन से बचने का एक असरकारक तरीका है सुबह की धूप में वक्त गुजारना। जो इंसान शराब के नशे में होता है उसको सामने वाले व्यक्ति का चेहरा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई देता है पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो। अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना यकीन मानो इंसान को अंदर से मार देता है। जो आपके दर्द में आपके साथ रोने लगे 0% चांसेस हो जाता है कि वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। शर्त यह है कि वह वास्तव में रो रहा है या दिखावा ना कर रहा हो। सपनों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले केसेस में धोखेबाजी शामिल होती है। चाहे एक लवर दूसरे लवर की जासूसी करते या उसे धोखा देते हुए देखता है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक IQ होता है उसे उतने ही अधिक सपने आते हैं। बुरे सपने का कारण डर नहीं होता बल्कि पहले की उदासी, किसी गुनाह का अफसोस या भ्रम की भावना होती है। 1 मिनट की किस के दौरान 2 से 3 कैलोरीज बर्न होती है। इससे शरीर के मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। किस के दौरान शरीर में कोर्टिजोल का स्तर कम होता है जिससे शरीर का तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किस करने से महिलाओं की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। किसी के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को 20 सेकंड से ज्यादा देर तक गले लगाने पर हम उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। रेस्टोरेंट में लाल, नारंगी और पीले रंगों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये रंग हमें भूख का एहसास कराते हैं। हमारा मस्तिष्क उन कामों को महत्वपूर्ण नहीं मानता जिनको पूरा करने के लिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। जिन कामों की समय सीमा एकदम सिर के ऊपर होती है हमारा दिमाग उन कामों को ही प्रायोरिटी देता है। दिमाग के काम करने के तरीके जानकर उसके विकास के अनुसंधान में मदद मिलती है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। प्यार होना आपको कम प्रोडक्टिविटी बनाता है। एक सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती है। लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती। उन्हें दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। दुनिया में 11% लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ मुद्दे की बात बोलने वाले व्यक्ति अपने राज छुपाने में माहिर होते हैं। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कदर हो। बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पाने लगता है। सौ खामियां मुझमें सही मगर एक जीत भी है जिन्हें भी अपना माना है, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। सच्चा प्यार चाहे 2 पल के लिए हो मगर एहसास जिंदगी भर के लिए दे जाता है। रिश्ता वही कायम रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। शाखें रही तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है। बात सच कही है मगर यूं ही हकीकत ना लगे। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। दिल की बात
साफ साफ कह दे, क्योंकि बात बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। कितना अजीब है ना, रिश्ता एक होता है, निभाने वाले दो, फिर भी इसे नहीं संभाल पाते। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। जिस इंसान को अपना खास समझो, वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। जिसे आप प्यार करते हैं, उसको खोना अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोने के समान है। दर्पण की तरह बनो, सबके प्रति दयालु मत बनो, बस अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा बनो। किसी की तरह ध्यान देने के बदले उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि ध्यान सेकंड के भीतर गायब हो जाता है, जबकि सम्मान लंबे समय तक रहता है। रोते को रुलाना, डरते को डराना, आई दुनिया की रीति है। इसलिए न कभी डरे और न कभी रोए, हमेशा मजबूत बने रहे। जब आप बहाने बनाते हैं तो किसी और को नहीं, बल्कि आप स्वयं को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने से दूर करते जाते हैं। जो लोग हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं, एक दिन वे ही बुद्धिमान कहलाते हैं। सबसे समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके आँख कान तो खुले हो परंतु मुंह बंद हो। माँ बाप से अधिक हमें कोई प्यार नहीं करता, उनका प्यार कभी कम नहीं होता। आपके अंदर अकेले ही सब कुछ करने की शक्ति है। हमेशा अपने सपनों का पीछा करें, ना कि लोगों का। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो पहले अपने विजन को बड़ा करना होगा, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। ऊंचाई पर उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यकीन ना हो तो हवाई जहाज को ही देख लो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। स्मार्ट बनने के 5 तरीके। रोजाना एक्सरसाइज करें और खुद को फिट रखें। अपनी जिम्मेदारी खुद ले, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। कभी भी दिखावा ना करें। समय पर काम करने की आदत डालें। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए तो कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्यार में पड़े तो वो केवल तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अपनी कुछ यादें बनाएं।